उत्तर प्रदेश की राजनीति में जनसत्ता दल कहां खड़े? 30 नवंबर 18 को विधानसभा में हमारे 25 वर्ष पूरे हुए, तो सारे कार्यकर्ताओं से, सभी समर्थकों से, शुभचिंतकों से एक राय ली गई कि 25 वर्ष पूरे हो गए, अब कुछ बदलाव होना चाहिए, आगे क्या करें, किसी पार्टी की सदस्यता लें, ऐसे ही निर्दलीय लड़ते रहें या स्वयं की पार्टी बनाई जाए। तो अधिकांश शुभचिंतकों ने ये राय दी कि अब स्वयं की पार्टी बनाई जानी चाहिए। जहां तक पार्टी बनाए जाने की बात है, हम ये पुनः स्पष्ट करना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि किसी राजनीतिक दल में रहे हों, तवज्जो न मिल रही हो, उपेक्षित किया गया हो, इसलिए उस पार्टी से अलग होकर के अपना एक अलग घटक या अपना एक अलग दल बना लिया, ऐसा नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि कोई भाई भतीजेवाद या इस तरह के कोई, या किसी एक जाति विशेष को लेकर के, नहीं। हर वर्ग का सहयोग और आशीर्वाद सदैव मिलता रहा है। जहाँ से हम निर्वाचित होके आते हैं, कुंडा विधानसभा में लगभग 4.25 लाख वोटर्स हैं वहाँ पे, जिसमें से मात्र 10,000 ठाकुर हैं, मात्र 10,000 क्षत्रिय। जो लोग कुंडा विधानसभा को नहीं जानते हैं, वो ये सोच सकते हैं कि साहब जातिवाद के कारण ये जीत के आते हैं या इनकी बिरादरी की संख्या वहाँ ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है। हर वर्ग जाति का आशीर्वाद मिलता है और सबको साथ लेकर के चलने में विश्वास है। यही बात तो आज मौजूदा योगी जी की सरकार भी कहती है, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, तो उनके साथ चलने का विचार नहीं है आपका? नहीं, अगर आप गठबंधन की बात कर रहे हैं तो गठबंधन के विषय में किससे होगा, इसमें अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। जैसे ही निर्णय होगा अवश्य आपको अवगत कराया जाएगा, बिल्कुल सूचित करें। नहीं, आपका पुनः तजुर्बा रहा है कल्याण सिंह जी से लेकर राजनाथ जी की सरकारों में आप शामिल रहे हैं। जी, ये सौभाग्य रहा है हमारा कि हमको बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ काम करने का अवसर मिला है, उनके मंत्रिमंडल में प्रदेश की सेवा करने में उनके नेतृत्व में अवसर मिला है। माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय राम प्रकाश गुप्ता जी, माननीय राजनाथ जी, माननीय नेता जी, माननीय अखिलेश जी, इन 5 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देखा और आज 28 वर्ष पूरे हो गए हैं विधानसभा में, तो एक लंबा कार्यकाल देखने को मिला। हर मुख्यमंत्री की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपनी कार्यशैली है, हम सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी दल में नहीं रहे। हमने चुनाव सदैव इंडिपेंडेंट ही लड़ा, निर्दलीय ही लड़ा। बगल की सीट है बाबागंज विधानसभा, वहाँ से 5वीं बार विनोद सरोज वो विधायक हैं, 2 बार उनके पिताजी रहे, 3री बार वो स्वयं हैं। तो जनता का आशीर्वाद मिलता रहा है और विधानसभा में एक लंबा कार्यकाल बिताने के बाद अनुभव हो गया है, बहुत से बड़ी शख्सियत, बहुत बड़े व्यक्तित्वों के साथ काम करके उनसे कुछ सीखने का प्रयास वो जारी रखता है।